सुशांत सिंह राजपूत केस में लगातार जांच चल रही है और मुंबई पुलिस इस मामले की तह तक जाने की कोशिश भी कर रही है। आपको बता दें कि पुलिस की पूछताछ में संजय लीला भंसाली ने बताया था कि कैसे सुशांत सिंह के 3 साल तक फिल्म पानी पर मेहनत करने के बाद भी आदित्य चोपड़ा ने सुशांत को फिल्म से हटाने के चक्कर में फिल्म को ही बंद कर दिया था। वहीं इस फिल्म के लिए सुशांत ने जो 3 साल दिए थे, उन 3 साल में सुशांत को 3 फिल्मों के ऑफर आए थे, जो कि संजय लीला भंसाली की रामलीला, बाजीराव मस्तानी और पद्मावत थी, जिसे सुशांत फिल्म पानी की वजह से नहीं कर पाए थे। अब जिस फिल्म के लिए सुशांत ने अपने 3 साल बर्बाद किए, जिस फिल्म की वजह से सुशांत ने संजय लीला भंसाली की फिल्म नहीं कर पाए, अब उसी फिल्म में सुशांत को हटाने के चक्कर में फिल्म को ही बंद कर देना बहुत बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है। वहीं अब भंसाली के बाद शेखर कपूर ने सुशांत और फिल्म पानी से जुड़े बहुत से खुलासे किए हैं। अब क्या क्या कहा है शेखर कपूर ने, हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो फिल्म पानी के डायरेक्टर शेखर कपूर ने ईमेल के जरिए कहा है कि सुशांत खुद की वजह से इस दुनिया से नहीं गया, बल्कि वह तो दूसरों की वजह से हम सबको छोड़कर गया है। दूसरों के कर्मों का फल सुशांत को मिला है। उन्होंने आगे कहा है कि सुशांत बहुत परेशान था और वह रात को 3 बजे तक उनसे बात किया करता था। वहीं डायरेक्टर शेखर कपूर ने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत उनके कंधे पर सर रखकर रोया करता था और उन्हें पता है कि वह किनकी वजह से रोया करता था। शेखर कपूर का कहना है कि उन्हें पता है कि वह कौन कौन लोग हैं जिनकी वजह से सुशांत परेशान रहता था और रोया करता था। अब शेखर कपूर के इस ईमेल का खुलासा पूरी तरह से नहीं हुआ है। हालांकि शेखर कपूर इन दिनों उत्तराखंड में हैं और जल्दी ही मुंबई पुलिस से मिलकर अपना बयान देंगे, लेकिन शेखर कपूर के इस ईमेल में दिए गए बयान से बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। अब जरा सोचिए कि पानी फिल्म के लिए सुशांत सिंह राजपूत ने 3 साल तक मेहनत की और 3 साल की मेहनत करने के बाद भी सुशांत को फिल्म से हटाना कहां से सही हो सकता है। अब आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको लगता है कि सुशांत को इंसाफ मिलना चाहिए और आदित्य चोपड़ा के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, तो कमेंट में जस्टिस और सुशांत लिखना मत भूलिए। आगे मुझे जो भी अपडेट मिलेगा मैं आप तक पहुँचाता रहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम। To change up.